रनमा गांव के समीप खाई के ऊपर लटकी मारुति वैन, बाल बाल बची हरिपुर धार आ रहे चालक की जान। उप तहसील हरिपुर धार के अंतर्गत आने वाले गांव रनमा के समीप एक मारुति वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई के ऊपर जा लटकी। एसपी 790735 नंबर वाली उक्त वैन जानकारी के मुताबिक कोरक गांव से हरिपुर धार की तरफ आ रही थी, जब ये हादसा हुआ। गाड़ी का आधा हिस्सा अथवा दो टायर हालांकि सड़क से बाहर खाई की तरफ लटक गए थे, मगर चालक भाग्यशाली रहा और गाड़ी खाई अथवा ढाक में गिरने से बाल बाल बची। दुर्घटना का पता लगते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जेसीबी मशीन की मदद से इसे बाहर निकाला। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि चालक ठीक ठाक है तथा गाड़ी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। एक साल बाद भी संगड़ाह में रविवार को चली एचआरटीसी नाहन डिपो की केवल दो बसें। सभी बसें ना चलने तथा संगड़ाह में सेंटर ना होने के चलते जेओए की परीक्षा देने वाले बेरोजगारों को झेलनी पड़ी परेशानी। नागरिक उपमंडल संगड़ाह में एक साल बाद भी रविवार को एचआरटीसी की केवल दो बसें चली। उपमंडल संगड़ाह में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का सेंटर ना होने तथा सरकारी बसें ना चलने के कारण इलाके के 500 से अधिक बेरोजगारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उक्त परीक्षा देने वाले उपमंडल संगड़ाह के अभ्यर्थियों के सेंटर एचपीएसएससी द्वारा यहां से 60 से 80 किलोमीटर दूर कालाम, नाहन तथा राजगढ़ आदि रखे गए थे। गत वर्ष 21 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से यहां परिवहन निगम के नाहन डिपो की बसें नहीं चल रही है। हालांकि राजगढ़ डिपो उपमंडल से संगड़ाह के लिए चलने वाली सोलन डिपो की बसें पिछले काफी दिनों से संडे को चल रही है। परिवहन निगम के अड्डा प्रभारी नाहन सुखराम ने बताया कि आज जेओए आईटी की परीक्षा के चलते सुबह के वक्त उपमंडल संगड़ा के हरिपुर धार तथा घाटों से चलने वाली नाहन डिपो की बसें रूट पर चली, जबकि संडे को अन्य बसें चलाए जाने के लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी कोई निर्णय लिया जाना शेष है। स्वास्थ्य खंड संगड़ा के कुफर भवाई में शुरू हुई नई पीएचसी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्थानीय भाजपा नेता बलबीर चौहान का किया धन्यवाद। स्वास्थ्य खंड संगड़ा के अंतर्गत आने वाले कुफर भवाई गाँव में विभाग द्वारा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया है। हाल ही में उक्त पीएससी के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने यहां पीएससी खोलने के लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्थानीय भाजपा नेता बलबीर चौहान का धन्यवाद किया। रविवार को उक्त पीएससी स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा नेता बलबीर चौहान ने बताया कि हाल ही में वह इस पीएससी में डॉक्टर तथा स्टाफ उपलब्ध करवाने तथा भवन निर्माण के मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री से मिले थे। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि हाल ही में शुरू हुई पीएससी कुफर भवाई के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है तथा मेडिकल व कॉन्टैक्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी होते ही वह कार्यभार ग्रहण करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रेणुका निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुवाही में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है और वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य करना शुरू भी हो चुका है। वहाँ पर एक चिकित्सक और एक चतुर्थ श्रेणी का पद भी भरा गया है। मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी का और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन सबके आशीर्वाद से और सहयोग से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हुआ और रेणुका निर्वाचन क्षेत्र की दूर दराज ग्राम पंचायत गुहाई एवं ग्राम पंचायत शिवपुर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।